नमस्कार, जनता दरबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका माथुर। राजस्थान में सीएम के नाम की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है और अब नाम के कयासों के बीच दिल्ली में राजनीतिक हलचल ने सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। भाजपा ने 3 कद्दावर नेताओं को पर्यवेक्षक चुना है, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े शामिल हैं। ये पर्यवेक्षक राजस्थान को लेकर विधायकों से रायशुमारी कर सकते हैं। खबर ये भी सामने आई है कि 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हो सकती है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंची थी और करीब 1.25 घंटे तक दोनों के बीच वार्तालाप हुई थी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी दिल्ली पहुंच गए थे। नड्डा से मुलाकात के बाद राजे ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। आला नेताओं के दिल्ली जाते ही राजस्थान में बवाल मच गया और आरोप लगा है कि बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह के कहने पर बाड़ेबंदी की गई है। ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने आरोप लगाया है और इस आरोप को बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने गलत बताते हुए कहा कि किशनगंज विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने जो आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत है। हम सब झालावाड 12 लोकसभा क्षेत्र के विधायक हैं। जीतने के बाद विधायक ललित मीणा सहित आरएसएस व भाजपा कार्यकर्ता 12 गए थे। सुबह 6 बजे अपने अपने घरों से हम सब गाड़ियों से जयपुर आए थे। आपसी सहमति से एक साथ होटल में रुके थे। बाड़ेबंदी जैसी बात कहना शरारतपूर्ण है, गलत है। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत के ऊपर बाड़ेबंदी के आरोप लगने के बाद ही वसुंधरा को दिल्ली बुलाया गया था। वसुंधरा राजे जब नड्डा से मिलने पहुंची थी तो उनके बेटे दुष्यंत सिंह उनके साथ मौजूद थे। ताजा अपडेट्स के लिए जनता दरबार से जुड़े रहें। नमस्कार।